तो वो किच्चक उस द्रौपदी को दासी के रूप में देखता है, अपनी बहन सुदेशना से पूछता है कि बेबे है ऐसी सुतरी कौन महल में, कि भाई ये बड़ी विपता की घड़ी में यहाँ आई हुई, ये मेरी दासी लगी हुई है, इसी सुतरी के दासी आकर कुछ भी करे इसने तो मेरा भेज दे। कि भाई तेरी अच्छी बात नहीं है, किसी गैर पीर के ऊपर तू गलत नजर रखता है, अच्छी बात नहीं तेरी। लेकिन किच्चक के डर से भय मान जाती है सुदेशना, कुछ बहाना बनाती है। उस द्रौपदी को कहती है कि जा उस किच्चक के महल में जा और वहां से मदरा ले मेरे लिए। वो वहां चली जाती है उसके कहने से। जब जाके द्वार पर जाके खड़ी हो जाती, किच्चक कहता है कि आजा ये तेरा ही घर है, हे महाराज आप जगतपति राजा हो, देखिए आपकी बहन ने मदरा मंगाई है, यही मेरा काम, जो ये काम कर दे। लेकिन किच्चक उसको गलत नजर से देखता, वो एक बात के द्वारा क्या कहती है, क्या? बखत कया रहना पड़ जा जारी है। और ये जैसी
फरमाइश है एक बात की कि जब सहेलियां पद्मावत के पास जाती हे बेबे ये कई दिन हो गए तुम बगीचे में झूलन खातिर खेलन खातिर कई दिन हो गए तू आई नहीं के तीन रोज हुए मने तड़पती ने कुछ ना खाई खेली ये भाइयां किस चीज जाएंगी थी दर्शन करा से ये बात कि बेबे जब तो परदेशी देखा भगात में इतनी आशंग इतना जोश नहीं मोड़े ताई आ जा एक पाटी सखियां मांगे निवलिए तू परदेशी का खोट बतावे वो भी मुदा पड़िया पड़िया तेरे में खोट का डर थारी है जाने कौन है एक बात में क्या कहती है ए तू मरती कदेवो
यानी भाई राजेश मोर हैं, जो कई सालों से आप लोगों की सेवा में हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मोर म्यूजिक कंपनी भाई जो आज का कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 100 रुपये से और बांटूंगा, मान सम्मान जारी करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। प्रण दे रखा, सारी उम्र मर्द बच्चे की शान नहीं देखूं, और आजो परदेशी देख के क्या हुआ बेबे, ये मुद्दी पड़ी जब तनु कभी ब्याह उस तक करूं, जब खुद शंकर भगवान की सन भेजते ना, ये कदे वो है वो कौन मैं रह के मत पार उतर लूंगी।
टाइम हो गया, जो मैं जिस काम के लिए आई वो मेरा काम हुआ नहीं थे, तेरी वो आड़ा भी तेरे लाजम है, वो मेरे से जवाब कर देगी क्या कहा गोली भी नहीं ना थी, तेरी गलियां भी सह तुमने किसा लागू